भेजे हैं तो आप सदन में क्या कर रहे हैं? हमारा जमीन छीना जा रहा है, आदिवासियों का अस्तित्व मिट रहा है, आदिवासियों का जनसंख्या घट रहा है, तो आप सदन में क्या कर रहे हैं? आप कहलाते हुए सीएनटी एक्ट कि रहते हुए हमारा जमीन छीन रहा है, पैसा कानून लागू नहीं हो रहा है, भारत के संविधान का पांचवी अनुसूची लागू नहीं हो रहा है, आप चुपचाप क्यों हैं? हम लोग को सवाल करना पड़ेगा। हम चुपचाप रहेंगे तो हमारा जमीन, हमारा अस्तित्व निश्चित रूप से मिटेगा और हम लोग मिटने नहीं देंगे। यह हमारा आह्वान है। आप अभी भी आपका शरीर में खून बहता है और ऐसे जयपाल सिंह मुंडा, ऐसे बिरसा मुंडा का वंशज हम लोग हैं। जब उस समय एक बिरसा मुंडा अंग्रेजों को यहां से मार करके भगाया तो अभी तो और ज्यादा हम लोग शिक्षित हो गए, पढ़े लिखे हो गए और बेहतर तरीके से हम लोग लड़ सकते हैं। और उनका जो सपना था हमारे गांव में हमारा राज, अब वो भी सुन रहा, अब वो राज इन अब जो कायम है, इन मेहनती का अजय नारा किया कि हमारे गांव में हमारा राज। अजय कर दिया जल जंगल जमीन हमारा है, ओते ऐसा वीर मुरु अब है नया का जी किता वीर से मुंडे तो इन संकल्प इन काजी के अगु का आयर से बढ़ाओ में ना इनामेंटे पूरे काका जी कहते आज इमिनेंगिंग काजी ये हंडा श्रद्धांजलि वो एमिया सोबेन को इतने सीधे नेहा तुरंत मुंडे सामने ही चुके इन्हीं जे हो रहे ने श्रद्धांजलि सभा या श्रद्धांजलि बीरसा मुंडा हर जयपाल सिंह मुंडे खैर पंगा जब मुंडे किलके ते हाथों बचाओ बड़ा तो पूरे कर दिए वो मैंने मुंडा मान की जिंदाबाद। हाँ मुंडा मान की जिंदाबाद हम लोग बोलते हैं, लेकिन आज यहाँ पर मुंडा नहीं है उपस्थित इस गांव का, ये दुखद बात है कि नहीं है। इस गांव को बेहतर रूप से चलाने के लिए, इस गांव को बेहतर बनाने के लिए उनका बात मानना पड़ा। उनके आंदोलन को देखते हुए हम सभी जानते हैं एक मिशनरी फादर हॉफमैन ने सीएनटी एक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया और अंग्रेजों को ड्राफ्ट मानना पड़ा। और हम सभी जानते हैं कि वो सीएनटी एक्ट का ड्राफ्ट को स्वीकार करते हुए कानून का रूप दिया गया। वजह यही है कि आज आदिवासियों मूलवासियों की जमीन बची हुई है, इसलिए आज का दिन हम आदिवासियों के लिए, हम मूलवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे पास आज जमीन है उसका पूरा श्रेय बिरसा मुंडा के आंदोलन को जाता है। अगर बिरसा मुंडा ने हम लोगों के लिए आंदोलन नहीं किया होता तो सीएनटी कानून नहीं बनता, सीएनटी कानून नहीं बनता तो हम आदिवासियों का जमीन, मूलवासियों का जमीन नहीं बनता। इसलिए आज तमाम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को उनकी यादगारी में हम उनके स्मरण में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और हम संकल्प लेते हैं, आज हमको संकल्प लेना चाहिए